नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आप सभी देशवासियों को ईएमएस टीवी परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। देश आज 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने राजपथ पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद का स्वागत किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजपथ पर तिरंगा फहराया। आज ही के दिन 1950 में देश ने मौजूदा संविधान को अपनाया था और तब से लेकर आज तक हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मना रहे हैं। आज राजपथ पर भारत की संस्कृति के रंग और रक्षा क्षेत्र की ताकत का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। परेड में फ्रांस की टुकड़ी ने मार्च पास्ट किया। ये पहला मौका है जब किसी दूसरे देश की टुकड़ी ने राजपथ पर मार्च पास्ट किया। परेड में 26 साल के बाद सेना के श्वान दस्ते ने भी अपने हैंडलर्स के साथ भाग लिया। परेड में सेना के पैराशूट रेजिमेंट के जवानों ने हिस्सा लिया। पैराशूट रेजिमेंट की स्थापना 1952 में हुई थी। विशेष तरह की ऑपरेशन में अहम भूमिका है। पद्म भूषण के लिए चुने गए अभिनेता अनुपम खेर ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और बड़ा मुकाम बताते हुए कहा कि वो खुद को गौरवान्वित सम्मानित महसूस कर रहे हैं और बहुत खुश और भाव विभोर हैं। देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुने गए खेर ने आज यहां जयपुर साहित्य महोत्सव के इतर कहा कि मैंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, ये एक बहुत खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि आपको एक निश्चय देता हूं कि आपको पूरी जिंदगी एक अभिनेता होने से ज्यादा समाज के लिए काफी कुछ करना होता है। मैं अपने देश भारत को मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार देने के लिए आभार जताना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस पर लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए अशोक चक्र प्रदान किया गया। उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राजपथ के परेड समारोह स्थल पर वीरता पुरस्कार ग्रहण किया। लांस नायक मोहन नाथ जम्मू के कुपवाड़ा में बीते साल 2 और 3 सितंबर की दरमियानी रात में आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। गोस्वामी विशेष बल में तैनात थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीकृति से घोषित वीरता पुरस्कारों की सूची में सिपाही जगदीश चंद्र का नाम शामिल है। उन्हें कीर्ति चक्र दिया जाएगा। जगदीश ने पठानकोट हमले के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्योछावर किए थे। 67वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र और 8 शौर्य चक्र पुरस्कारों का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और संविधान निर्माताओं को, विशेष तौर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर CISF के 30 कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 24 अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और 4 अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए अग्नि सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति पुलिस पदक पाने वालों में कमांडेंट पीजे विक्र और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बतौर उप कमांडेंट तैनात उमेश दुबे का नाम शामिल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।